आपसे मैं नहीं पूछूंगा, माँ कसम आपसे नहीं पूछूंगा। अरे माँ पूछूंगा। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन एक और भी है बाबू, लिखा है संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? हाँ संतुलित आहार मतलब उसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, कैल्शियम, विटामिन सी, ये सब जल उचित मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें संतुलित आहार कहते हैं। बहुत बढ़िया, क्या इंटेलिजेंट। अब क्लास बराबर लेते हो क्या? कभी कभी बराबर लेते हो? मतलब लेते हैं, कभी कभी गैप होता है। कभी कभी गैप होता है। देखो यार अब क्लास लेने का यही फायदा है। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता आप सभी बहुत प्यारे हो ना, आपका क्या नाम है? संजना मौर्य। संजना और आपका? निशा कुमारी। निशा और आप बताएं? प्रतिमा शर्मा। प्रतिमा शर्मा कहाँ से आते हो पेपर देने? प्रतिमा बगल से। अच्छा इधर आप फ्रेंड को ऑटो में बिठाने आए हो? अच्छा चलो ठीक है। प्रतिमा पेपर होम साइंस का कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा जी, आया था। हाँ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये आप लोगों का फर्स्ट पेपर है और बहुत सारे लोग भी देखना चाहेंगे कि फर्स्ट पेपर बच्चों का कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा था, बहुत अच्छा था। थोड़ा सा आगे आ जाओ प्रतिमा, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। हाँ तो पेपर है वैसे? हाँ, नॉर्मली मैं देखूंगा, मैं पूछूंगा नहीं। थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड ईयर एग्जाम है। सेकेंड ईयर एग्जाम है। हाँ हाँ थर्ड सेमेस्टर का है। बहुत बढ़िया। आहार आयोजन का महत्व भी पूछा गया था है ना, और स्वस्थ आहार क्या है ये भी पूछा गया था। स्वस्थ आहार क्या मानते हैं आप? स्वस्थ आहार मतलब क्या है? मतलब ऐसे तत्व, मतलब ऐसे पोषक तत्व जिससे हमारे शरीर की शारीरिक मानसिक क्रियात्मक सब मतलब विकास सुचारू रूप से हो सके। हाँ। और पोषक तत्व उचित अनुपात एवं सही मतलब मात्रा में मिले, उससे स्वस्थ आहार कहते हैं, जिससे शरीर मतलब स्वस्थ रहे, निरोग रहे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। अच्छा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे पढ़ाए हुए हैं या फिर बाहर से भी आए? सभी पढ़ाए हुए आए थे। सभी पढ़ाए आए थे। हाँ चलो बढ़िया है। और कौन सा क्वेश्चन किया था आपने? किशोरावस्था के आहार पोषक तत्व क्यों आवश्यक है? अच्छा किशोरावस्था के आहार में पोषक तत्व क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है आप बताइए? क्योंकि उस टाइम हम लोगों का शारीरिक विकास इतनी तेज गति से होता है कि हमें सभी पोषक तत्व की आवश्यकता अधिक होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। जिससे कि हमारे शरीर का विकास अच्छे तरीके से हो सके और हम लोग मतलब उस टाइम बहुत सारे ऐसे कंपटीशन में भाग लेते हैं, ऐसे खेल कूद और कॉलेज ऐसे मतलब एडमिशन लेते हैं, तो हमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है जिससे उसे हम कर सकें, इसीलिए पोषक तत्व अधिक चाहिए होता है। क्या बात है, क्या नाम बताया था आपने? संजना। अच्छा संजना, और आप भी डेली क्लास लेते हो? नहीं नहीं मैं डेली क्लास नहीं, मेरी शादी हो गई, मैं संजना। निकल लेते हो फिर? बस एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने। शादी हो गई, बच्चे हुए अभी? नहीं नहीं नहीं। चलो ठीक है कोई नहीं। चूँकि आप होम साइंस का क्या फ़ायदा है, शादी के बाद क्या फ़ायदा है, अच्छा ये बताओ। मतलब मैनेजमेंट में अच्छी मतलब बहुत हेल्प मिल जाती है, गृह प्रबंध कैसे करें और सबको भोजन कैसा देना चाहिए उनके आयु लिंग के अनुसार, वे बूढ़े हैं तो उन्हें कैसा भोजन दें और वे मतलब क्रियाशील अधिक है तो उनको कैसा भोजन दें, बच्चों को कैसा भोजन दें, ये सब पता चलता है। साफ सफाई के बारे में सभी चीज़ें पता चलती हैं हमें। हाँ। इसीलिए अच्छा होता है होम साइंस। देखो बहुत अच्छा है, मतलब आपके पास जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है ना वो बहुत अच्छा हो गया है। डेली क्लास लेते हो आप लोग भी? डेली क्लास लेते हो? नहीं कभी कभी जी। चलो कोई नहीं, लेकिन घर पे तो पढ़ाई करते ही होगे। हाँ, है ना, बिना पढ़ाई के कहाँ से पेपर दोगे। बढ़िया है। तो ऑटो आ रही, जाना है क्या? मिल जाए तो ऑटो आ गई, चली जा। अरे अरे कहाँ, फ्रेंड को छोड़ के चले जाओगे? मतलब यही दोस्ती, यही प्यार? नहीं नहीं दोस्ती हमेशा रहेगी। दोस्ती रहेगी है ना, दोस्ती। क्योंकि आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और इसमें कौन सा क्वेश्चन आपने कर दिया था? शैशवावस्था में पोषण व्यवस्था कैसे करें? शैशवावस्था में पोषण व्यवस्था कैसे? अच्छा शैशवावस्था क्या है? शैशवावस्था 0 से 2 माह तक की अवस्था, जैसे बच्चों का शिशु हो गए उन्हीं को शैशवावस्था कहते हैं। वो तो पूर्ण रूप से माँ के दूध पे ही निर्भर करते हैं। हाँ। तो उन्हें उनके हिसाब से तो उनके माँ को स्वस्थ होना चाहिए जिससे उनके शिशु का भी पोषण अच्छे तरीके से होगा। अच्छा अगर लड़की प्रेग्नेंट है उस टाइम उसको किस चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है? जैसे कि ज़्यादा कार्बोज युक्त तो मतलब वसा युक्त तो भोजन नहीं लेना चाहिए, वो ना फैटी होता है तो वो जमने लगता है, जिससे मोटापा होता है तो उससे पी कैम्बलिया ये सब ज़्यादा मतलब रोग हो जाते हैं, उच्च रक्तचाप हो जाता है जिससे डिलीवरी के टाइम उनको प्रॉब्लम होती है। और मतलब उन्हें जैसे आयरन युक्त तो अधिक भोजन लेना चाहिए, प्रोटीन युक्त तो जैसे ऊतकों का वो मरम्मत भी हो जाता है और आयरन से उनके ब्लड की कमी पूरी हो जाती है। तो देख लीजिए जितने लोग आज देख रहे हैं ना, मतलब बाहर क्या ही
माइंड है दीदी का और बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही हैं। भाई साहब हम तो ये क्वेश्चन जो था अपने खुद से हमने पूछा था और इन्होंने उसका भी आंसर दिया। पेपर तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है, साथ में ही इनके पास नॉलेज इतना अच्छा है कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन कोई पूछता है तो वो ईजिली आंसर दे पा रही हैं। बहुत बढ़िया आप आंसर भी कर रही हैं। एक इधर से एक क्वेश्चन आप बता दो जो आपने किया हो। सबसे अच्छा पोषणीय कमी के बारे में लिखिए, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपने क्या लिखा होगा? हमारे शरीर का पोषण रक्त से नहीं बल्कि लसिका से होता है, इसलिए हमें स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। जैसे शरीर में होने वाली जो क्रियाओं का संगठन उन्हीं को पोषण कहते हैं, तो हमारे शरीर अगर हम पोषक तत्व युक्त संतुलित आहार लेंगे तो हमारे शरीर का पोषण भी अच्छे तरीके से होगा। चलिए बहुत अच्छा लगा ना, क्या नाम बताया था आपने? संजना। संजना ये लो पकड़ो आप पेपर, और नेक्स्ट पेपर कौन सा है आपका? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का कब है? 27 जनवरी को। आप क्या चाहते हो, आऊँ 27 जनवरी को फिर यहाँ पे? मैं आ सकते हैं, बहुत सारे लोग रहेंगे उस दिन, तो ट्रेन भी रहेंगे हम लोगों के जो साथ में है। तो आप अपने फ्रेंड को लेकर जरूर आप रुकना, अगर हम रहेंगे तो कोशिश करना, क्योंकि हाँ इसी टाइम रहेगा ना, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस तरह का मिल जाता है और इतना अच्छा एक्सप्लेन करता है तो वो नॉलेज अदर स्टूडेंट के पास भी पहुंचता है, अदर नॉर्मली उन लोगों के पास पहुंचता है जो इसकी जानकारी जिनके पास नहीं है और होनी चाहिए। करने का नतीजा है। डेली क्लास करने का नतीजा है। आपका क्या नाम है? प्रतिमा शर्मा। चलिए आप इनका साथ दीजिए, छोड़िएगा मत। है ये मेरे को छोड़ देगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। आप छोड़ दी हैं क्योंकि आपकी शादी हो चुकी, तो आप निकल जाएंगे फिर? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई भी करती हूँ। पढ़ाई हो रही है ना? एक्चुअली मैं सब्जेक्ट थोड़ी अलग अलग है ना, तो हमेशा मिल नहीं पाते हम लोग। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये भी जान सकता हूँ? अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रिवीजन भी हो गया ना? रिवीजन हो गया, डबल रिवीजन। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।